नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और हमें मिस कर रहे होंगे। आप सभी से माफ़ी मांगूंगा क्योंकि हमारा ब्लॉग आया है थोड़ा लेट, एंड आशा करता हूँ आप हमें माफ़ करेंगे। ले चलते हैं आपको एक नए सफ़र पे। आज हम आए हैं एक नए जगह जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लाखों शिवलिंग है। तो हम आए हैं कोटिलिंगेश्वर टेम्पल। तो मंदिर परिसर में आप पहुंच चुके हैं जो कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। तो मंदिर में पहुंचकर हमने ली पूजा की सामग्री। मंदिर के बाहर पर ही बहुत सारी शॉप है जहां पर आप पूजा की सामग्री आराम से ले सकते हैं। हम सैटरडे को आए थे, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अंदर मंदिर में प्रवेश करने के लिए फीस मात्र 20 रुपये है, और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर भीड़ और कितने सारे श्रद्धालु। क्योंकि शनिवार का दिन था, सुबह 10:30 बजे हम यहाँ पहुँचे, तो ऑब्वियस ही बात है शनिवार के दिन हर कोई अपना मन बनाकर भगवान के पास, भगवान के दर्शन करने आए हैं। इस मंदिर की बहुत ही खास बात है कि यहाँ पर लाखों शिवलिंग है। कहते हैं यहाँ पर 1 करोड़ शिवलिंग है, जिसकी वजह से इसका नाम कोटिलिंगेश्वर पड़ा है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ पर 108 फीट ऊंचा शिवलिंग है, और इसके साथ ही यहाँ पर 35 फीट ऊँचे नंदी जी की भी प्रतिमा है। यह मंदिर 15 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ 1 करोड़ छोटे बड़े हर प्रकार के शिवलिंग है। हमने दर्शन किया और देखा कि यहाँ पर रोजाना पूजा अर्चना होती है। श्रद्धालु यहाँ आकर अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर कुछ शिवलिंग पर परिवार के नाम लिखे हैं। ये परिवार वो हैं जो अपने घर वालों के लिए मनोकामनाएं मांगते हैं, और उसी मनोकामना के पूर्ण होने पर या होने के लिए यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित भी करते हैं। हमने दर्शन किए और अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर कई सारी शॉप्स हैं जहां पर आप अपने घर के लिए कुछ छोटी मोटी सामग्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा कोटिलिंगेश्वर मंदिर का दौरा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सभी को हमारा ढेर सारा प्यार।